Good morning, friends. एक्सेल लर्निंग कम्यूनिटी में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं एक नया वीडियो आपके लिए लेके आया हूं और हमारा जो सीरीज़ है जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ उसी सीरीज़ में ही मैं एक नया वीडियो आप लोगों के लिए ले आया हूँ जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे अदर कैटेगरी के बारे में अदर कैटेगरी फ्रेंड्स मैं आप, आपको आपको बताऊँगा इसमें वैसे जब हम लोग अपना फ्रिकुनसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं तो उसमें हम लोगों को कई बार जो है हमारी का काउंट बहुत कम होता है जिससे कि उसकी परसेंटेज बहुत कम आती है एक परसेंट पॉइंट फाइव परसेंट दो परसेंट तीन परसेंट तो अगर हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स में अगर इस टाइप की कैटेगरीज कुछ ज्यादा हैं एक या एक से ज़्यादा है मान लीजिए दो हैं या तीन है तो वो दो परसेंट एक परसेंट तीन परसेंट नॉर्मली हमारी टेबल का साइज़ भी बढ़ाती हैं और हमारी कंसेपचुअल क्लैरिटी को भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं तो ये कैटेगरीज़ को हम लोगों ने कैसे ग्रुप करना है कैसे इसको हम लोगों को अपनी रिपोर्ट्स में प्रजेंट करना है और कैसे इनका ट्रीटमेंट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में होना चाहिए उसी के बारे में हम लोग विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे सो लेट इस मूव टू दिस सीरीज़ दैट इज़ फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये मेरा इस पर्टिकुलर सीरीज़ का नाइन्थ वीडियो है ये ये आठ वीडियोस में ऑलरेडी पहले आपके सामने यूट्यूब में इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ आप चाहें तो यूट्यूब से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं देख सकते हैं ये मेरा नाइन्थ वीडियो है अदर कैटेगरी का और इसका मैंने नाम भी अदर कैटेगरी ही रखा है और ये आपके सामने यूट्यूब में है तो फ्रेंड्स इसमें जो ये मैं अदर कैटेगरीज़ का आपके सामने जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये मैंने तीन स्टेप्स में रखा है पहला स्टेप है मेरा इफ़ द कैटेगरी और क्लास हैज़ लेस देन फाइव परसेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसीज़ देन मोस्ट स्टैटिस्टिशियन वुड से दैट यू शुड ग्रुप द डाटा इनटू अदर कैटेगरी second step is when grouping mutually exclusive categories together with a formula you can use two or more count functions in a formula and simply add them and the third one is when grouping mutually exclusive categories together in a pivot table highlight the two categories and right click point to group you may have to uh, click the collapse button

So let us move to the first step. If the category or class has less than 5% of the frequencies, then most, most statistician would say that you should group the data into other categories. So let us conceptually clarify ourselves that this particular statement ka matlab kya hai. नाव ये देखिए ये एक जो हमारा डिससेटिस्फेक्शन की कैटेगरी है ये हम लोगों ने यहाँ पर रखी है आ, ये कॉलम ए में मैंने अपने हंड्रेड रेस्पोंडेंट्स का इंटरव्यू लिया था और उन हंड्रेड रेस्पोंडेंट्स का डिससेटिस्फेक्शन यहाँ पर जो है जो उन्होंने नाम दिया कि उनको एनर्जी ड्रिंक से अगर डिससेटिसफैक्शन है तो वो क्या है या तो वो पोअर टेस्ट है या मोर शुगर है या कॉस्टली है या स्लिप डिससेटिसफैक्शन है या मोर स्ट्रेस है जो भी जो भी रीजनस हैं उन लोगों ने अपने हंड्रेड रीजन यहाँ पर लिख के और फिर उसके बाद मैंने उन रीजंस की यहां पर कैटेगरीज मैंने लिख दी यानी कि मैंने उन लेबल्स को यहां अलग कर दिया तो ये मेरे देखिए ये मेरे छह लेबल्स यहां पर मेरे सामने आए हैं निकल के फ्रेंड्स अगर आप मैनुअली इसको काम करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको टाइम लगेगा तो इसके लिए एक्सेल ने एक बहुत एफिशियंट टेक्निक निकाली है दैट इज हाउ टू क्रिएट यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली इसके लिए हम लोग क्या करते हैं हालांकि मैं पिछले वीडियो में आपको ये टेक्निक कैसे यूज करनी है मैं आपको बता चुका हूँ लेकिन दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ यहां पर अगर आप मेरा वो वीडियो मिस कर गए हो तो तो मैं अभी आपको एक्सेल फाइल के ऊपर लेके चलता हूं फ्रेंड्स ये मेरी एक्सेल फाइल है आपके सामने यहां पर और ये मेरे हंड्रेड रेस्पोंडेंट्स ने मेरे को यहां पर डिससेटिस्फेक्शन का मेरे को यहाँ लिख के दिया था कि उनके क्या रीजनस हैं तो इनका मैंने यहाँ पर जो जितने भी मेरे हंड्रेड रेस्पोंडेंट्स का है मैंने यहाँ पर आपके सामने यहाँ रख दिया है अब मैं इसका क्या, क्या करूँगा कि मुझे यूनिक रिकॉर्ड्स बनाने हैं तो मैं क्या करूंगा मैं सबसे पहले इस पर्टिकुलर सेल को मैंने सेलेक्ट किया डाटा के ऊपर जाइए डाटा के ऊपर जाके आप एडवांस के ऊपर जाइए एडवांस में फ्रेंड्स आप जाएंगे तो देखिए मैंने क्योंकि यहाँ ऑलरेडी इसके ऊपर काम किया हुआ था ये देखिए तो एडवांस फिल्टर इसने यहाँ निकाला और इसमें यहाँ एक्शन में देखिए दो चीज़ें इसने यहाँ लिखी हैं फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस एंड सेकेंड कॉपी टू अनदर लोकेशन मैंने इसको क्लिक किया कॉपी टू अनदर लोकेशन अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर काम किया हुआ था तो इसने यहां क्या किया इसने लिस्ट रेंज जो कि मेरा ये आप यहां पर अपना कर्सर रखिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो यूज कीजिए तो आपका पूरा कॉलम ये सेलेक्ट हो जाएगा पूरा डाटा आपका यहाँ प्लेस हो जाएगा C2 से 102 तक मेरा डाटा यहाँ ऑलरेडी आ चुका है क्राइटेरिया रेंज मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा उसके बाद इसने कहा कॉपी टू कि मुझे ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये जो यूनिक रिकॉर्ड्स हैं मुझे कहाँ चाहिए तो मैंने कहा मुझे यहाँ पर इस पर्टिकुलर कॉलम में इस पर्टिकुलर कॉलम में चाहिए देखिए मैंने गलती से क्या किया इसको यहाँ मैंने हट इसको रिमूव नहीं किया तो मैंने इसको रिमूव कर दिया अब मुझे अपना यूनिक रिकॉर्ड चाहिए यहाँ पर ई टू में तो ई टू में मैं आपके सामने दोबारा इसको रख देता हूँ कि मुझे अपना रिकॉर्ड यहाँ चाहिए तो यहाँ पर मैंने अपना रिकॉर्ड किया कॉपी दिस हेयर इन दिस पर्टिकुलर सेल और इसको मैंने क्लिक किया क्रिएट यूनिक रिकॉर्ड ऑनली इसके ऊपर मैं ले जाके क्लिक करूंगा और इसको मैं ओके कर दूंगा जैसे ही मैं ओके करूँगा तो देखिए मेरा पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर आ गया मेरे पूरे कैटेगरीज जो हैं यहाँ पर लिस्टेड हो गई विद इन सेकेंड्स नहीं अगर हम मैनुअली करते तो देखिए फ्रेंड्स हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर यूनिक रिकॉर्ड्स जो टेक जो ये ट्रिक है या टेक्निक जो भी आप कह लीजिए आप डाटा में जाए एडवांस पर ले जाके आप क्लिक करें तो आपको ये काम बहुत एफिशियटली और बहुत स्मूथली आप अपना काम यहाँ कर सकते हैं नाउ लेट अस कम बैक टू आवर पॉइंट शीट्स तो फ्रेंड्स हम लोगों ने जो अपना काम यहां कैटेगरीज बनाई यहां पर हमने कैटेगराइज करने के बाद मैंने किया मैंने यहाँ पर क्या किया आई हैव कैलकुलेटेड द फ्रीक्वेंसी एंड द परसेंटेज फ्रीक्वेंसी इन कॉलम डी एंड कॉलम ई ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया मैं आपको अपने पिछले कई वीडियोस में फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ की वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने अपना काउंट इफ फार्मूला से कैसे मैंने अपना फ्रीकवेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहाँ बिल्ड किया है तो मैंने यही फार्मूला ये देखिए ये वाला मेरा फार्मूला है यही फार्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ किया काउंट इफ का नाउ ऑल्सो आई हैव कैलकुलेटेड द टोटल नंबर ऑफ फ्रीकवेंसी इन सेल डी यूजिंग काउंट ए फंक्शन फ्रेंड्स मैंने यहां काउंट ए फंक्शन यूज क्यों किया मैंने काउंट ए फंक्शन यहां पर इसीलिए यूज किया ताकि मुझे मालूम हो जाए कि कहीं मेरा कोई सेल छूट तो नहीं रहा काउंट ए से मेरे जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी यहाँ पर आ जाती हैं तो मैंने यहाँ पर जब मैंने काउंट ए फंक्शन अप्लाई किया देखिए मैंने यहाँ काउंट ए यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है ये मेरा एफ एक्स बार में यहाँ मेरे को देख भी रहा है तो इसने भी मेरे को हंड्रेड आंसर दिया इट मीन्स कि मेरा जो आंसर है जो फ्रिक्वेंसी के थ्रू आया और काउंट ए के थ्रू आया क्रॉस चेक भी हो गया कि मैंने कहीं कोई मिस्टेक नहीं किया Friends, बहुत छोटी छोटी टेक्निक्स हैं बट दीज टेक्निक्स इम्प्रूव्स आवर एफिशेंसी अलॉट नाओ इन कॉलम ई आई हैव अकाउंट ऑफ थ्री परसेंट एंड फोर परसेंट अब देखिए ये सेल ई फोर और सेल ई एट इन दोनों में मेरे जो काउंट हैं तीन परसेंट है और चार परसेंट है तीन परसेंट है पुअर टेस्ट का चार परसेंट है इनकम्प्लीट इंस्ट्रक्शंस का तो ये तीन परसेंट चार परसेंट जो कि एक बहुत नेग्लिजिबल सी फ्रीक्वेंसी है बहुत कम फ्रीक्वेंसी है तो हमारे लिए कई बार जो है इस टाइप की छोटी फ्रीक्वेंसी मतलब डोंट गो ऑन हंड्रेड की हंड्रेड का रेस्पॉन्डेंट है तो उसमें तीन परसेंट ऑब्वियसली इट मैटर्स अलाट लेकिन जब हमारा डाटा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो उसमें तीन परसेंट या चार परसेंट अगर काउंट आ रहा है हमारा तो वो हमारे लिए जो है कई बार जो है हमारी एफिशेंसी को रिड्यूस कर देता है

बिकॉज इनवेरेबली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट एनी फ्रीक्वेंसी और फ्रीकुंसी इज बिलो फाइव परसेंट पीपल वुड लाइक टू ग्रूप एज अदर बिकॉज ऑफ दिस रीज़न क्योंकि ये प्रचलन है ये यहाँ पर ट्रेंड है तो नॉर्मली अगर हम ट्रेंड के साथ काम करें तो हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई रहता है हमारा कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता तो नई चीज़ मैं आपको फ्रेंड्स यही सजेस्ट करूँगा कि आप तब तक अप्लाई ना करें जब तक कि वो चीज़ जो है आपका लॉजिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ना हो कि एक वो नया पैराडाइम शिफ्ट क्रिएट करने वाली है अब मैं आता हूं सेकंड स्टेप के ऊपर व्हेन ग्रुपिंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज टुगेदर विद अ फार्मूला यू कैन यूज़ टू और मोर काउंटिव फंक्शंस इन अ फार्मूला एंड सिंपली ऐड देम तो मैंने यहां पर अभी हम लोगों ने कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले ली कि अगर तीन परसेंट और चार परसेंट की कैटेगरीज आ रही हैं तो इट्स बेटर टू गिव दैम अ सूटेबल नेम अ न्यू नेम दैट इज़ अदर तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा कि मेरी दो कैटेगरीज हैं दो कैटेगरीज क्योंकि मेरी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं ऑब्वियसली मुझे इन दोनों को कंबाइन करना है कंबाइन करना है काउंटी फंक्शन के थ्रू तो वो मैं कैसे करूँगा यही स्टेप हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि दो कैटेगरीज़ को मैं एक कैटेगरी अदर में लेके जा रहा हूँ हमारा पुअर टेस्ट एंड इनकम्प्लीट देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड हेयर वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ न्यू कैटेगरी अदर कैटेगरी अदर कैटेगरी में मेरे दो लेवल्स हैं पुअर टेस्ट एज वेल एज इनकम्प्लीट इंस्ट्रक्शंस तो इसी लिए मैं काउंटी फंक्शन में एड का फॉर्मूला भी यूज़ करूँगा यही हम लोग इस पर्टिकुलर स्टेप में डिस्कस करने जा रहे हैं Now let me build this table once again here, C12 to C18, so that I can do all my calculations here to build the other category. अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि step टू में क्या करूँगा मैं मैं poor taste यहाँ से हटाऊँगा incomplete instructions यहाँ से हटाऊँगा और यहाँ पर एक नया label दूँगा other. तो मैंने क्या किया मैं यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इस पर्टिकुलर टेबल में क्योंकि मुझे इसमें फार्मूला भी बिल्ड करना है और फ्रिक्वेंसी की परसेंटेज इन दोनों की अदर में लेके भी आनी है तो सबसे पहले तो मैं इनका जो मैंने काम यहाँ किया था कि इनकी फ्रिक्वेंसी और परसेंटेज फ्रिक्वेंसी की थी वही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ वो मैंने कैसे किया देखिए मैं अपना फार्मूला दोबारा बिल्ड करता हूँ यहाँ वही काउंट इफ का फार्मूला मैंने लिया यहाँ पर मैंने कॉलम ए के ऊपर फर्स्ट सेल के ऊपर गया फर्स्ट रेस्पॉन्डेंट की एंट्री के ऊपर गया ए से ए का डाटा सेलेक्ट किया एपसलूट किया और, और उसके मैंने यहां पर कॉमा लगाया कॉमा लगाने के बाद मेरा क्राइटेरिया क्राइटेरिया इज इज़ दैट पुअर टेस्ट वो मैंने रिप्लेस किया किया, किया का क्लोज फंक्शन कंट्रोल एंटर एंड आई गेट द डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी मेरा फार्मूला तैयार है इस फार्मूला को मैं ड्रैग करूंगा नीचे तक लेके आऊंगा तो मेरे बाकी के दूसरे सेल्स भी दे विल इवेंचुअली गेट पॉपुलेटेड जो कि ये हो गए हैं अब अगेन मैं यहां पर काउंट ए फंक्शन लगाऊंगा जैसे मैंने पहले वहां किया था सो दैट आई कैन गेट द टोटल देखिए वहां पर मैंने जो है टोटल यहाँ इसका मैंने ऑटो सम से लिया था यहाँ मैं काउंट ए के थ्रू टोटल लूँगा कैसे लूँगा देखिए मैंने यहाँ पर काउंट ए के थ्रू ए थ्री से ए वन जीरो टू तक का मैंने टोटल लिया क्योंकि मेरा जो है हंड्रेड होना चाहिए आप चाहें तो उसको ऑटो सम से भी चेक कर सकते हैं मैंने यहाँ पर इसको काउंट ए से किया ये भी मेरा हंड्रेड है ऑटो सम से भी मैं चेक कर चुका हूँ कि ये भी मेरा हंड्रेड है आप चाहे तो मैनुअली भी आप इसको चेक कर सकते हैं तो ये मेरा हंड्रेड यहाँ पर आ गया अब इसके बाद मुझे इसकी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालनी है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पर निकाली कैसे मैंने परसेंटेज को लिया यहाँ पर डी थर्टीन से लेके डी डी थर्टीन डिवाइडेड बाई डी नाइनटीन अब डी थर्टीन डिवाइडेड बाई डी नाइनटीन डी थर्टीन इस पोअर टेस्ट की फ्रीक्वेंसी और इसको मैंने डी नाइनटीन डी नाइनटीन क्योंकि मेरा कांस्टेंट रहेगा हर एक सेल में मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ ऑब्वियसली मैं इसको एब्सोल्यूट करूँगा तो मैंने डॉलर साइन से इसको एब्सोल्यूट कर दिया सो डी थर्टीन बाई डी नाइनटीन कंट्रोल एंटर एंड आई गेट द डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज भी मेरा सबका यहाँ पर आ गया सो हेयर आई हैव कैलकुलेटेड द फ्रीकुवेंसी एज वेल एज द परसेंटेज फ्रीक्वेंसी नाव लेटस्ट वर्क नाव लेटस्ट वर्क ऑन द अदर कैटेगरी अब मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ देखिए मैंने अब यहाँ पर 100% परसेंट हंड्रेड परसेंट यहाँ पर अपना मैंने कैलकुलेट कर लिया है नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू वी आर सपोज टू बिल्ड द अदर कैटेगरी यानी कि मुझे पोअर टेस्ट भी हटाना है और यहाँ से कॉस्टली को भी रिमूव कर कॉस्टली uh, को भी रिमूव करना है सॉरी इनकम्प्लीट इंस्ट्रक्शंस को भी रिमूव करना है मुझे यहाँ पुअर टेस्ट को भी रिमूव करना है और इनकम्प्लीट इंस्ट्रक्शंस को भी रिमूव करना है तो मैं यहाँ पर अदर कैटेगरी यहाँ पर बिल्ड करूंगा विच आई एम गोइंग टू डू दिस हेयर तो वो मैं कैसे करूँगा देखिए मैंने क्या किया सबसे पहले मैंने यहाँ पर यह टेबल अपनी यहाँ पर कॉपी करी लेट मी फर्स्ट कॉपी एंड पेस्ट दिस डिसटिस्फैक्शन लेवल विद द फ्रीकुंसी इन द अबव कॉलम जी एंड एच यहाँ पर मैंने ऑल द कैटेगरीज एंड परसेंटेज फ्रिकुनसीज़ ये मैंने सारी कैटेगरीज यहाँ पर ले ली और उसी सीरियल ऑर्डर में रखा जिस में यहाँ मैं यहाँ काम करता हुआ आ रहा हूँ ताकि मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैंने इस इनको यहाँ पर मैंने कॉपी किया कॉपी करने के बाद मैंने इनकी यहाँ पर परसेंटेज फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मैंने प्लेस कर दी नाउ लेट अस रिमूव द पुअर टेस्ट एंड इनकम्प्लीट इंस्ट्रक्शन कैटेगरी फ्रॉम कॉलम सी एंड प्लेस अदर एज अ कैटेगरी नाउ लेट मी रिमूव दिस पुअर टेस्ट एंड इनकम्प्लीट इंस्ट्रक्शन इन दोनों को मैं रिमूव करूँगा और इनकी जगह मैं अदर अदर कैटेगरी में यहाँ पर लेके आऊँगा वो कैसे लेट मी शो यू दिस अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया मैंने उन दो कैटेगरीज जो कि मैं यहाँ आपसे कह रहा था कि पुअर टेस्ट और, और इनकम्प्लीट इंस्ट्रक्शंस वो मैंने यहाँ पर रिमूव कर दी हैं बाकी मेरी स्लीप डिससेटिस्फेक्शन मोर शुगर मोर स्ट्रेस ये यहां पर आ रही है देखिए यह यहां पर आ रही है ना बाकी सब तो ये बाकी सारी कैटेगरीज यहां पर हैं और अदर यहां पर इन स्टेबल में नहीं है लेकिन यहां पर ये यह प्लेस हो रही है अब अदर का आप ये आप एक चीज़ और आप यहाँ नोट कीजिएगा देखिएगा जो फ्रीक्वेंसीज हमने यहाँ कॉलम डी में हम लोगों ने जो ली हैं वी हैव ऑप्टेंड थ्रू दिस पर्टिकुलर फार्मूला जो कि हम लोगों ने अभी यूज़ किया था काउंट एफ का कि मैंने काउंट एफ का यहाँ पर पूरा यहाँ पर रेंज लिया रेंज के बाद मैंने ये क्राइटेरिया यहाँ लिया और उसके बाद मैंने इनकी फ्रिक्वेंसी यहाँ काउंट कर ली तो मुझे फ्रिक्वेंसी यहाँ पर मिल गई तो कि एफ एक्स फार्मूला में मैंने यहाँ शो किया हुआ है कि कैसे मैंने किया था ये लेकिन अदर कैटेगरी में अगर आप देखेंगे ना तो अदर कैटेगरी में इसका जो आंसर है या फ्रीकवेंसी काउंट है जो ज़ीरो है वाई

ये यह यहां पर क्या कह रहा है ये कह रहा है कि आपने C17, C17 कैटेगरी अब C17 कैटेगरी यहां तो है ही नहीं अदर तो मैं क्या करूंगा अब मैंने अब क्योंकि अदर यहां नहीं है तो ऑब्वियसली इस ये हमारा फार्मूला ही गलत हो गया आंसर ही हमारा गलत हो गया तो इसीलिए इसने जीरो दे दिया मुझे यहां पर सो द अदर कैटेगरी फार्मूला कंटेन्स सी ये देखिए यहां पर सी दैट इज अदर एंड देर इज नो सच कैटेगरी येट इन द डाटा सो वी नीड टू गिव इनपुट फर्दर टू दिस फार्मूला ऑफ सेल डी कि मुझे इसमें भैया ये आप इस को आप ठीक करेंगे तभी मैं आपको आंसर दूंगा वरना मैं नहीं दूंगा आप ठीक कीजिए इसको तो मैंने क्या किया द फर्स्ट थिंग विच आई डू हेयर इन सेल डी सेवनटीन इज आई रिप्लेस सेल सी सेवनटीन विद जी फोर देखिए ये मैंने कैटेगरीज यहाँ लिखी हुई है ना तो मैं क्या करूंगा मैं यहाँ पर अब मेरे को कहीं बिन्स तो अपने लिखने हैं ना तो मैंने इन बिन्स को मैंने यहाँ पर अपना मैंने किया यहाँ मैंने अलग से लिख दिया तो मैंने यहाँ पर जी फोर प्लेस किया पेरेंट और इस पेरेंट्स को क्लोज़ किया अब मुझे एक कैटेगरी और यहाँ पर चाहिए देखिए मैं अदर में दो कैटेगरी यहाँ बिल्ड कर रहा हूँ एक तो पुअर टेस्ट दूसरा इनकम्प्लीट इंस्ट्रक्शंस एक कैटेगरी मैं ऑलरेडी यहाँ प्लेस कर चुका हूँ ए थ्री से ए वन जीरो टू ये डाटा है और इसका जो काउंट है मेरा यहाँ पर परसेंटेज फ्रिक्वेंसी वो यहाँ पर आ रहा है तो मैंने उसको प्लेस कर दिया अब मैं यहाँ ऐड करूँगा प्लस प्लस साइन से काउंट ए फार्मूला को मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ कि तो आप दोबारा इसको काउंट कीजिए वही मेरी रेंज पूरी यहाँ पर आ गई रेंज मेरी वही रहेगी अगेन मैंने कॉमा लगाया कॉमा लगाने के बाद मैंने दूसरा जो मेरा लेबल है इनकम्प्लीट इंस्ट्रक्शंस उसको मैंने यह फार्मूला में प्लेस किया इन द सेम फार्मूला आई देन ऐड जी एट माई अनदर एलिमेंट विच आई वॉन्ट टू पुट इन द अदर कैटेगरी सो नाउ दिस पर्टिकुलर फार्मूला इज़ कम्प्लीट आप इसको पेरेंथीसिस यहाँ अप्लाई कीजिए क्लोज कीजिए एंड हिट कंट्रोल एंटर आप जैसे कंट्रोल एंटर करेंगे दोनों की यहाँ फ्रिक्वेंसी देखिए यहां पर इसका तीन परसेंट इसका है, चार परसेंट थ्री प्लस फोर सेवन परसेंट यहां पर मेरा रिस्पॉन्स इज हाउ अदर कैटेगरी इज नाउ कंप्लीट तो ये तो मैंने फार्मूला के थ्रू बिल्ड किया अब यही चीज अगर मैं पीवट टेबल के थ्रू करना चाहूं तो कैसे करूंगा सो वेन ग्रुपिंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज टुगेदर इन अ पीवट टेबल हाईलाइट द टू कैटेगरीज एंड राइट क्लिक देन पॉइंट टू ग्रुप यू मे हैव टू क्लिक द कोलैप्स बटन ऑल्सो ये सारे काम हम आगे आने वाली शीट्स में करने वाले हैं जो कि मैं आपको शो करने जा रहा हूँ पीवट टेबल के थ्रू नाव लेटस मूव दिस तो सबसे पहले तो वाट वी हैव टू डू वी नीड अ पीवर टेबल सो लेटस डू दिस बाई बिल्डिंग अ पीवर टेबल आप इस पर्टिकुलर ए कॉलम में किसी भी एक सेल को आप सेलेक्ट कर लीजिए बिंदास होकर घबराइए मत नाओ क्लिक ऑन एनी वन सेल ऑफ द कॉलम ए एंट्रीज आर फ्राम ए थ्री टू ए वन जीरो टू ये पूरी हैं यहाँ पर किसी एक सेल के ऊपर आप रैंडमली पिक कीजिए जस्ट प्लेस योर कर सर एंड हिट ऑल एन वी अगर आप टू थाउजेंड टेन यूज़ कर रहे हैं तो साथ में टी और अप्लाई कीजिए सिक्सटीन वाले ओनली अप्लाई ऑल्ट एन वी आप जैसी ऑल्ट एन वी अप्लाई करेंगे आपको ये पीवर टेबल का डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा अब मुझे क्योंकि मैं यहीं पर ही इसी इसी के ऊपर ही काम करूंगा मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट में ही काम करूंगा यहाँ पर तो मैंने क्या किया मैंने अपना यहाँ पर वी गेट द डायलॉग बॉक्स ऑफ द पीवर टेबल मैंने अदर शीट नई वर्कशीट नहीं ली एग्जिस्टिंग वर्कशीट के ऊपर ही काम कर रहा हूँ तो मैंने एग्जिस्टिंग वर्कशीट का एक सेल मैंने इसी के नीचे क्योंकि इसके ऊपर मैं काम करता हुआ आ रहा था मैंने इसी के कहा कि भाई मुझे जो है पीवर टेबल के सारे फील्ड्स जो हैं यहीं चाहिए तो मैंने ये सी ट्वेंटी मैंने सेलेक्ट किया ओके okay किया ओके okay करने के बाद आप ये देखिए पीवर टेबल के फील्ड्स मुझे यहाँ पर मिल गए हैं नाउ ऑल दीज फील्ड्स आर रेयर और इसमें आया क्या है सिर्फ एक आया है डिसटिस्फैक्शन विद एनर्जी ड्रिंक्स अब इसी को मैं रो में लेके जाऊंगा इसी को मैं वैल्यूज में लेके जाऊंगा रोज में लेके जाऊंगा तो मेरी यहाँ कैटेगरीज बन जाएंगी वैल्यूज में लेके जाऊंगा तो उनकी काउंट्स यहाँ पर आ जाएंगी देखिए कैसे ये यह यहाँ पर किया मैंने जैसे इसको ट्रैक किया यहाँ पर डिससेटिसफेक्शन को तो कैटेगरीज यहाँ पर ऑटोमेटिकली बनती हुई आ गई देखिए ये सारी कैटेगरीज यहाँ पर आ गई हैं और उसके बाद मैंने जब इसको ट्रैक किया दोबारा यहाँ पर समेशन वैल्यूज़ के ऊपर सो हेयर आई गेट द काउंट ऑल्सो सो एस सुन एज आई शिफ्ट माई डिस फील्ड विद एनर्जी ड्रिंक परचेज इन रो लेबल्स एंड समेशन वैल्यू बॉक्स आई गेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये मेरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहाँ पर मेरा तैयार हो गया है अब मुझे इस टेबल के ऊपर छोटे छोड़ छोटे काम करने हैं जो कि एक के बाद एक हम लोग करते चले जाएंगे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस पर्टिकुलर ये जो है बहुत लंबा है ये तो मुझे तो सिर्फ इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी लिखना है तो सेलेक्ट सेल डी ट्वेंटी वन डी ट्वेंटी वन को मैंने जैसे ही सेलेक्ट किया सेलेक्ट करने के बाद ये कहता है क्या करो मैंने कहा कि भाई गो टू वैल्यू फील्ड सेटिंग्स वैल्यू फील्ड सेटिंग्स के ऊपर गया इसने कहा कस्टम नेम मैंने इस कहा कि आप प्लीज़ यू गो अवे फ्रॉम दिस एंड इन प्लेस ऑफ दिस आई टाइप फ्रीक्वेंसी मैंने जैसे ही फ्रीक्वेंसी को टाइप किया क्लिक ओके okay किया तो मुझे यहाँ पर इंस्टेड ऑफ़ द लॉन्ग टाइटल आई गेट अ सूटेबल अ वेरी सुटेबल स्वीट नेम फ्रीक्वेंसी बहुत छोटा सो वी गेट अवर नाउ दिस इज़ माई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अब इसके बाद मुझे छोटे छोटे काम और करने हैं जैसे कि सेलेक्ट एनी वन सेल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डी ट्वेंटी टू टू डी ट्वेंटी इसको मैं क्या करूँगा मैं राइट क्लिक ऑफ द माउस मैंने किया राइट क्लिक ऑफ़ द माउस शॉर्टिंग के ऊपर गया शॉर्टिंग में उसने मैंने कहा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट क्लिक ऑन शॉर्ट जेड टू ए जेड टू ए में मैं जैसे ही गया तो मेरा शॉर्टिंग हो गया मेरा ये देखिए पहले थर्टी फिर ट्वेंटी एट फिर नाइनटीन फिर सिक्सटीन फिर फोर प्लस थ्री अब देखिए मेरी दो कैटेगरीज एक साथ आ गई है ना चार और तीन सो माई फ्रीकवेंसी गेट शॉर्टेड एंड आई गेट माई टू लीस्ट फ्रीकवेंसीज इन द बॉटम टू फोर एंड थ्री नाउ द थिंग्स आर बिकमिंग ईजियर फॉर मी नाउ सेलेक्ट द लास्ट टू फ्रीक्वेंसीज विद यर लेबल्स टुगेदर एज शोन ऐसे इनको आप सेलेक्ट कीजिए सेलेक्ट करने के बाद अगेन पुट अ राइट क्लिक ऑफ द माउस यू गेट दिस ऑप्शंस लिस्ट इसमें आप क्या करेंगे क्लिक ऑन ग्रुप ग्रुपिंग में आप जैसे ही जाएंगे आपको एक ग्रुप अब देखिए जिन जो मैंने दो एक साथ हैं तो उसमें इसने नाम दिया यहाँ पर ग्रुप वन बाकी इसने जो इनके ओरिजिनल लेवल से वहीं ऊपर यहाँ रखे हुए हैं सो ऑन क्लिकिंग ग्रुप द टेबल बिकम्स लाइक दिस रिप्लेस ग्रुप वन विद द अदर मैंने इसको ले जाके अदर किया जस्ट सेलेक्ट द सेल एंड कंटेनिंग ग्रूप वन एंड टाइप अदर फ्रेंड्स इसको आपने जो है सिर्फ टाइप करना है इसको डिलीट करने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि ये डिलीट होगा नहीं आपसे पीवर टेबल जो है बहुत डीठ होता है ये इतनी आसानी से ये आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेगा तो इसमें जो है हम लोग ज़्यादा छिड़खानी की गुंजाइश नहीं है थोड़े बहुत ये हमें टाइम्परिंग की ये स्कोप देता है जिसमें कि एक स्कोप ये है इसमें आप इसको डिलीट मत कीजिए इसको टाइप कीजिए यहाँ पर अपने आप ही ये अदर जो है ये जो एडजस्टमेंट आपने करना है ये कर देगा सो प्लीज़ डोंट ट्राई टू डिलीट इट इट विल नॉट वर्क जस्ट टाइप इट एंड यू विल गेट द वर्ड विच यू वॉन्ट इन द सेल अदर सो नाउ आई गेट दिस अदर नाउ सिंस आर कैटेगरीज आर कंप्लीट सो आई विल कोलैप्स नाउ कोलैप्स मीन्स अगेन एक सेल एक सेल के ऊपर जाइए सेलेक्ट कीजिए राइट क्लिक ऑफ द माउस एक्सपैंड और कोलैप्स कोलैप्स एंटायर फील्ड को आप सेलेक्ट कीजिए कोलैप्स एंटायर फील्ड एंड हेयर आई गेट दिस Uh, my categories again go for the sorting Z to A. Right click of the mouse, right click of the mouse again. I get this options list sorting largest to smallest, and here I get my frequency distribution table with other category as ready. So, this is how normally we build our other category. इधर थ्रू द फॉर्मूला दैट इज़ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूज इन काउंटे फंक्शन और थ्रू पीवर टेबल फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा बनाए हुए वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा अगर आपको मेरी बनाए हुए वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो फ्रेंड्स मैं आपसे सिंसियरलीस्टली अर्नेस्टली ऑनेस्टली विथ फोल्डेड हैंड्स आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप वी इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अपने पॉजिटिव कमेंट्स जरूर यहाँ पर लिखिए आपके लाइक्स का आपके शेयर का आपके पॉजिटिव टि कमेंट्स का मुझे बहुत बेताबी से इंतज़ार रहता है और ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए खूब ढेर सारे वीडियोज़ बनाऊँ और आपको अपनी तरफ से मेरे जितने भी एक्सपीरियंसेज हैं मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ तो फ्रेंड्स मेरे मोटिवेशन के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अपने पॉजिटिव कमेंट्स और फीडबैक्स मुझे ज़रूर दीजिए टिल नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स गुड बाय एंड हैव अ वंडरफुल टाइम गॉड ब्लेस यू